Six. So how many bundles you want? One bundle, two bundles. But we have to cover all this. Brown cover है लोग के पास. Books के ready covers भी होते हैं फलक. Ready covers भी थे. What if it's not there? Not there. Which is this Taj Mahal one? ताज महल आगरा स्कूल से निकल के डायरेक्टली हम डी मार्ट चले गए थे क्योंकि वहाँ पर से मुझे फलक के लिए बुक्स लेनी थी. बुक का प्राइस कुछ 70 रुपये था लेकिन वो हमें कुछ 59 में मिली, 11 रुपये कम होकर. तो मुझे जब भी डी मार्ट आती हूँ मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि ये लोग जो लाते हैं इस तरह के बैम्बू प्लांट्स इसको बराबर मेंटेन नहीं करते हैं. बिकने के पहले ये सारे सूख जाते हैं, मर जाते हैं. तो खाना खाना था, बहुत तेज़ भूख लगी थी. हम घर पर जल्दी से आ गए वहाँ से. ये हमने बनाया था बटर चिकन, जो मेरी ग्रेवी एंड स्टार्टर वाली क्लास है, जिसमें से सारा चिकन ख़त्म हो गया, ग्रेवी थोड़ी बच गई है. ये है चिकन बंजारा, तो ये भी बचा हुआ है. तो ये हम खा रहे हैं. बटर चिकन तो पूरा ख़त्म हो गया था, ये वाली ग्रेवी रखी है. तो मेरी मम्मी घर पर आई हुई हैं तो हम सब ने मिलकर खाना खाया रोटी के साथ, इसे मज़े ले लेकर खाया. बटर चिकन तो फलक ने ही खाया पूरा, तो ये थोड़ी सी ग्रेवी बच गई है तो वही खाएगी ये. हम लोग चिकन बंजारा खाएंगे. और अभी ककड़ी बहुत अच्छी आ रही है, तो कश्मीरी ककड़ी या क्या कहते हैं उसे, ककड़ी ये वाली, तो इसे बिना छीले भी खाते हैं और छीलकर भी खाते हैं. तो मम्मा ने इसे छील दिया था तो हम लोगों ने इसके साथ बहुत मज़े लेकर चिकन बंजारा खाया और फिर फलक सो गए. तो फलक पढ़ते पढ़ते अपने अलबका को लेके, अलबका What is his name, बेटा? Alpaca. ये बड़ा English सा नाम है, अंग्रेजी Alpaca. कब मिला था बेटा ये Alpaca? सहारा स्टार गए थे तब मिला था, या मैंने तुमको इन ऑर्बिट से ऐसे करके दी थी तुम्हारे बर्थडे के दिन? This is Alpaca. तो मैंने क्या जीत के दी थी तुमको? अच्छा अलामा दी थी मैंने तुमको जीत के, लामा. ये कौन से अंग्रेजी अंग्रेजी एनिमल है, लामा अल्पका. अच्छा मैंने लामा जीत के दिया था, जीत के नहीं मतलब वो ऐसे होता है ना, ऐसे नीचे जाता है और ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर आ जाता है. तो वो फलक का बर्थडे था उस दिन और मैं फलक को इनऑर्बिट लेकर गई थी. फलक वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक शायद 3rd या 4th में होगी ना फलक दैट टाइम यू वॉज. तो फलक अब जागी है, पढ़ाई कर रही थी, फिर 1 घंटा सो गए. अब फलक डांस क्लास जाएंगे जो सिर्फ अगले 10 दिन तक के, उसके बाद फलक की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. मैंने 1 महीने के लिए उसे डाला था डांस क्लास में. हाँ अब डांस क्लास की वीडियो डाल सकती हूँ ना, होली तो हो गई ना, होली हो गई ना. अच्छा होली अभी बाकी है, अच्छा होली के बाद डालूंगी वो. अरे उठ जा, सिर्फ वीडियो बात करने के लिए तुम जागे थे क्या? उठो फलक, फलक वी आर लेट. अबे बेटा देखो मेरे पैर में क्या हुआ है. फलक देखो मुझे यहाँ पे पैर में क्या हुआ है, मुझे लाइट से दिखाई नहीं दे रहा. शाम हो गई ना, मेरी आंखें ऐसे चमक रही है. सो टायर्ड. मैं इधर जलाती हूँ, देखो मेरे पैर में क्या हुआ है. क्या हुआ ये? नहीं नहीं नजदीक से देखो, चश्मा लगा के देखो. अब उठ जाओ, अब नहीं सोना, अब नहीं सोना. अब मैं तुम्हारे पीछे आ गई हूँ, अब तुम सो नहीं सकती. चलो चलो मैम अब उठो. चलो अब मैं फलक को धक्का मार मार के उठा रही हूँ. चलो दो छोटी वाली, वो बोलते थे हम लोग, दो छोटी वाली आमद की साली. हाँ आमद सड़ेला ऐसा कुछ कुछ बोलते थे हाँ हम लोग. चलो वो मेरा आयरन करके कपड़ा आ गया भाई, मुझे कबाट में लगाना है. चलो उठो 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 जल्दी उठो बेटा. अभी बस एक अगले 10 सेकेंड्स में तुम मुझे सामने खड़ी हुई प्रोफाइल दिखाई देना. 1 2 बकल माय शू, 3 4 फलक मैं कूट कूट के कूट कूट के मारूंगी. चलो बेटा. अरे मेहंदी कितनी खराब निकलती, मेहंदी निकलते कितनी खराब लगती है ना. चलो बेटा चलो, मम्मी भी चेंज करेंगे, तुमको छोड़ने जाएंगे ना मम्मी.
तो अभी मुझे फलक ने कहा कि भाई के लिए केक बनाना है। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे एक बच्चा है शाहरुख, बच्चा मतलब माशाल्लाह उसकी इंगेजमेंट वगैरह भी हो गई, जल्दी शादी होगी, तो वो उसका बर्थडे था उसके इंगेजमेंट के दिन ही। तो फलक ने कहा कि मम्मी भाई के लिए केक बना दो, बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये किसका है, ये टेस्ट क्राफ्ट का स्ट्रॉबेरी का क्रश है, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो फलक सेड भाई को बहुत ज़्यादा ऐसे चटर मटर वाला केक नहीं चाहिए, डिज़ाइनर केक नहीं चाहिए, भाई को ज़्यादा कलर्स और ये सब कुछ भाई पसंद नहीं करते, भाई पसंद करते हैं सिंपल ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो वो बहुत प्यारा बच्चा है, तो काफ़ी दिन से रह जा रहा था कि उसके लिए केक बनाना है, उसके लिए केक बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो उसके लिए केक बना देती हूँ। तो ये केक फलक का मुंह बोला भाई है शाहरुख, तो उसके लिए मैं बना दे रही हूँ। तो क्रीम कैसे फेंटना है, वो क्रीम मैंने आपको बताई है कैसे फेंटना है, मेरी वीडियो है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, क्रीम कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी, एकदम मस्त। देखो कैसा स्टिफ पीक इसकी आई है, चोंच, तो वैसे ही मस्त बनेगा आपका क्रीम। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, देख लेना ज़रूर। और यहाँ पे मैं क्रश जो मैंने आपको बताया है टेस्ट क्राफ्ट का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत यमी है, मस्त। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट में बहुत मस्त लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम के साथ इसे मिक्स कर लिया है। ये ऑफसेट पैलेट नाइफ है। अब इसके ऊपर भी मैं क्रीम डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून अगेन यूज़ कर रही हूँ क्रश, और पानी से मैं सोकिंग कर रही हूँ। आप शुगर वाटर से कर सकते हैं, ओनली वाटर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग शक्कर डाल के भी करते हैं और बहुत से लोग बिना शक्कर के भी करते हैं। देखो पीक दिख रही है ना अभी, चोंच, तो क्रीम एकदम मस्त फेटी गई है। तो ये बचा हुआ यानी टोटल मैंने एक टेबलस्पून डाला है इसमें क्रश, ठीक है। ऑफसेट पैट ये पैलेट नाइफ है मेरी। बस अब लास्ट वाली लेयर भी मैं इस पर लगा दे रही हूँ। एकदम फटाक से मैंने बेकिंग किया। फलक साइड के मम्मी भाई के लिए कितने दिन से भाई के लिए केक, उनकी अब उस बच्चे की मंगनी उसी दिन थी और उसका बर्थडे भी उस दिन था, तो हम क्या उसके लिए केक ले जाते, उसकी मंगनी के दिन था तो उसके यहाँ बहुत सारा केक आया हुआ था। तो लेकिन मेरे हाथ के केक जो एक बार खाता है तो फिर उसे कहीं और का केक पसंद नहीं आता है, तो ये तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है। और हर होम बेकर को ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको उसने एक बार केक बना के दिया उसको किसी दुकान का केक पसंद आना ही नहीं चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि एक बार तुम्हारे हाथ का कोई केक खाएगा ना तो फिर वो बाहर का केक खाएगा तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। तो क्लास में जितने स्टूडेंट बोलते हैं हाँ मिस ऐसे ही होता है, मैं जब बना के देती हूँ ना तो लोग फिर बोलते हैं अरे नहीं मैम आपके यहाँ कहीं केक चाहिए। तो माशाल्लाह से छोटे छोटे गाँव के भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप भी केक का अपना बिजनेस करना चाहते हैं घर से तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, ज़रूर क्लास लीजिए, और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से और फैमिली में भी शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो को। तो बस साइड से मैंने इसको कवर कर लिया है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मैं इसके ऊपर नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी ये फटाफट बनाकर फ्रिज में रखकर ठंडा करके फिर देना है। फलक एक घंटे में आ जाएगी डांस क्लास से, तो उतनी देर में मुझे ये से फटाफट बना कर रख देना है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे ना स्टार नोजल यूज़ कर रही हूँ, सबसे बेस्ट सुंदर टिकाऊ डिज़ाइंस बन जाती है स्टार नोजल। एक बार खरीदो, अगर आप कोई मुझे पूछे कि कौन सी नोजल खरीदने रेशमा, तो मैं कहूँगी स्टार नोजल खरीदो और कुछ नहीं खरीदना है मत खरीदो, क्योंकि जो लोग एक दो बार केक बनाते हैं तो वो लोग उतना सारा सामान नहीं खरीदते हैं। तो ये एक बेस्ट नोजल है N1, ठीक है, नाम है उसका N1 नोजल, स्टार नोजल भी कह सकते हो, N1 नोजल भी कह सकते हो आप उसको। तो बस ऐसा कर दिया। मेरे पास थोड़ी सी गनाश रखी हुई है, मैं थोड़ी सी गनाश है तो उससे थोड़ा सा ड्रिपिंग इफेक्ट दे दूंगी इसमें, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी मेरे पास गनाश रखी हुई है तो वो गनाश मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ।
बिकॉज फलक सेड भाई लाइक सिंपल केक, भाई लाइक सिंपल केक, तो वो बना दिया मैंने उसका सिंपल केक, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर मैं चॉकलेट केक क्रश करके, चॉकलेट को क्रश करके थोड़ा सा डाल रही हूँ, और जो स्ट्रॉबेरी दिखाई थी मैंने आपको वो रख दे रही हूँ मैं इसके ऊपर। और बस फलक आएगी तो थोड़ी देर जैसे फ्रेश हो जाएगी और फिर ये केक ले जाके भाई को दे देगी। वो हमारी पुरानी बिल्डिंग जहाँ मैं पहली बार शिफ्ट की थी ना, वहाँ पे वो बच्चा रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। तो अब उसकी मंगनी के दिन का ये था, तो फिर अब केक हम बाद में लेके जा रहे हैं उसके लिए कि चलो भाई। तो रात को हम लेट नाइट जाएंगे, मतलब 10-10:30 बजे जाएंगे उसके यहाँ, तब ये केक दे देंगे। फलक आ जाएगी 9 बजे, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी। रोते नहीं, हंस के बताओ भाई क्या बोलेंगे तुम्हारे। तो फलक ने एक भाई बनाए हैं, शाहरुख भाई, और फलक डांस क्लास से आके रो रही है क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो बस, दुखता है अब, आदत नहीं होती है तो दुखता है। टैनिंग भी हो गई पूरी और बॉडी पेन भी हो गया। ओह माय गॉड, इधर आओ, चलो 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 चलो, इधर आ जाओ दिया, चलो। थोड़ा थोड़ा दुखता है बेटा, आदत नहीं है ना अभी बॉडी को, सो बॉडी टेक्स टाइम टू एडजस्ट। सर बोले थे ना कि शुरू शुरू में पेन बहुत होगा न्यू एक्सरसाइज, न्यू सब चीजें करने से। हंस के दिखाओ, गुड गर्ल मेरा बेटा। एक तो समंदर के किनारे ले जाके ऐसा शूटिंग करे के माँ बेटी कल्लू हो गए, मैं तो फिल्टर लगा के अपने आप को गोरा कर लेती हूँ, ऐसा ही करती हूँ मैं। फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ ना खुद को, तो खूब सारे फिल्टर लगाती हूँ। जब भी हम नया एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं, चाहे योगा हो, जुम्बा हो, डांस हो, तो बॉडी को आदत नहीं होती है तो वो दुखता ही है। आई नो फलक वॉज लाइक बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। वो सर ने हमको पहले ही कहा था कि अभी नया नया इसकी एक्सरसाइज करेगी तो वो बॉडी को आदत होने तक वो थोड़ा दुखेगा ही, और इसके लिए कोई दवा खाने से भी कुछ नहीं होता है, बिकॉज़ ये बॉडी स्ट्रेच होती है, बॉडी को वो आदत नहीं है एक्सरसाइज की, तो वो दुखता ही है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर कहा है डॉक्टर ने कि उसको एक आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ इतने छोटे बच्चों को अननेसेसरी काहे के लिए मेडिसिन देना। तो वो थोड़ा सा केक भी मैंने उसके फेवरेट वाले भाई के लिए बना दिया, तो वो खुश भी हो गई। तो अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद जाके ये केक दे देंगे उसको। फलक को मैंने सब मूव लगा दिया, सेक दिया गरम पानी से। खोलो, थोड़ा सा दिख नहीं रहे हम। अच्छा, अभी अच्छा लग रहा है, मम्मी ने लगा दिया वो तो। फलक एक्चुअली ना ये कहावत पे वो चिढ़ेगी, नाजुक लहर। आगे मुझे बताना कोई कि क्या है इस कहावत का आगे का हिस्सा, जिसमें कुछ बहुत जहरीला भी कुछ आता है। कुछ जहरीला आता है, और सलमान खान ने भी कुछ कहा था इस बारे में, कौन सी दबंग फिल्म में वैसा कुछ कहा था उसने, जहरीली के साथ में कुछ जो सलमान खान ने कहा था। फलक खान साहब अभी आप हंस रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। प्याले को साफ करिएगा, उसका इंसाफ करिएगा, धोने के लिए उसमें कोई जरूरत ना रहे ऐसा साफ कीजिएगा, ठीक है। तो मूड स्विंग्स, गुस्सा और ये सब चीज का इलाज क्या है, जोर से बोलिए। चॉकलेट, चॉकलेट। अब इसको किसके लिए रख रहे हैं, उंगली डाल डाल के खा के उसको मेरे लिए रख रहे हैं। लेकिन साफ करो इसको अच्छे से और पानी में डाल दो। कुछ कहना चाहेंगी आप इस गनाश के बारे में, पहले मुंह से खाओ फिर बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, you can go down. And like, subscribe, share. Bye bye. Bye bye. Panimal, 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 panimal. तो ये है मेरा घर और यहाँ से मेरी स्कूटी दिखाई देती है। तो रात हो चुकी है और अब हम लोग खाना वाना खा के जाएंगे और वो केक भाई को देकर आएंगे। तो ये वाली है, तीनों तीनों ब्लू ब्लू ब्लू, तो पता ही नहीं चल रहा मेरी वाली स्कूटी कौन सी है। तो
तो घर से एकदम मेरी पार्किंग में लगी हुई स्कूटी दिखाई देती है, कपड़े सूख रहे हैं, अब कल वो सुबह निकलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आजकल मैं अपने व्लॉग्स भी डाल रही हूँ तो वो भी चेक कीजिए, क्लास भी चेक करो मेरी।